नमस्कार, ए टू जेड लाइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जाकिर अंसारी। आइए चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर एक एफआईआर की गई है मांग। मीरगंज रेप पीड़िता को सरेआम पब्लिक में बेइज्जत करने की वीडियो वायरल होने पर महिला जागृति मंच द्वारा एफआईआर कर जेल भेजने की मांग की गई है। पूर्व विधायक सपा नेता एफआईआर दर्ज कराने की मांग। महिलाएं एवं बालिकाओं के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर महिला जागृति मंच बरेली की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजू नीरज आज वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष कार्यालय पहुंची। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने मीरगंज में दुष्कर्म पीड़िता को पूर्व सपा विधायक द्वारा सार्वजनिक रूप से पंचायत में खड़ा करने के विषय में भारी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता को भरी पंचायत में खड़ा करके उन्होंने संपूर्ण नारी जाति का अपमान किया है। पंचायत सभा के दौरान दुष्कर्म पीड़िता का वीडियो भी बनाया गया है, जो अपने आसपास में किसी महिला व उसकी निजता को सार्वजनिक रूप से बेपर्दा करना जैसा अपराध है। राजनीतिक चमकाने के चक्कर में इस प्रकार से दुष्कर्म पीड़िता की मानव मर्यादाओं को तार तार करने के आरोप भी लगाए गए हैं। एक और डीजीपी महिला व बेटियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से छेड़छाड़ व दुष्कर्म दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व जनप्रतिनिधि ऐसी घटनाओं को गंभीरता पूर्वक न लेते हुए दुष्कर्म पीड़िता का मखौल उड़ाने पर जुटे हैं। महिला जागृति मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से इस मामले में संबंधित सपा नेता पर मुकदमा दर्ज करने की प्रार्थना की है। आप देख रहे हैं शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। आप देख रहे हैं ए टू जेड लाइव 24 न्यूज, उत्तराखंड का लोकप्रिय चैनल। हर खबर पर है हमारी पहली नजर।